दोस्तों ड्रीम इलेवन में आप हार हार कर बिल्कुल परेशान हो गए, आपकी रैंक आते आते रुक जाती है। कोई बात नहीं दोस्तों, आज शाम 7:30 PM को एक मैच होने वाला है, गुजरात गेंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच महामुकाबला है। वहां पर हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको टीम बनाना है और लाखों रुपए विन किया करना है, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम के दोस्तों खिलाड़ी कप्तान कप्तान बन रहे। दोस्तों आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, दोस्तों भी दिखाऊंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर देने वाला है, वहां पर आपको लगातार आपको प्रूफ मिलते हैं और पल पल की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जाइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको दिखा भी देंगे कि दोस्तों कल जो मैच हुए हैं दोस्तों वहां पर हमारी टीम के खिलाड़ी आखिर कप्तान कप्तान बने या नहीं बने। दोस्तों पूरी प्रूफ के साथ हम बात करते हैं, हवा हवाई बात नहीं करते। वो सब बातों से पहले दोस्तों भी किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक बात का सलाह जरूर आपको देने वाले हैं कि किसी भी इष्ट देव को आप चाहते हो दोस्तों, जिस भी इष्ट देव को चाहते हो उस इष्ट देव का स्मरण कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका नाम लिख दीजिए। जैसे हम मैं चाहता हूं बजरंग बली को और मैं स्मरण करता हूं और कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं जय श्री राम, आप लोग भी दोस्तों जय श्री राम या जय बजरंग बली लिखना ना भूले। पर तो हम ये नहीं कहते दोस्तों, आप जिस भी इष्ट देव को चाहते हो, जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जिस भी भगवान को आप पसंद करते हो उसी का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। और ईश्वर का नाम लेते हुए हम लोग आज आपको जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों आपको आज क्या करना है, आज की पिच कहां है, मैच कहां होने वाला है दोस्तों, मैच में कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने बैट्समैन लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलना है, कितने बॉलर लेकर चलना है, मैच कहां होने वाला है, पिच कैसा बिहेव करने वाली है दोस्तों, औसत रन क्या है, पिच कहां होने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड है, मौसम में किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, और दोस्तों किस खिलाड़ी ने रेसेंट फाइव मुकाबले में सबसे अधिक रन बनाए, किस खिलाड़ी ने रेसेंट फाइव मुकाबले में सबसे अधिक विकेट लिए, ड्रीम टीम में रेसेंट फाइव मुकाबले में कौन खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार आया है, किसका परसेंटेज क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं दोस्तों, सब कुछ बताने वाले। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और अपने अपने ईश्वर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। और चलते हैं दोस्तों, आज हम ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको बताएंगे आपको क्या करना होगा। और खुशखबरी दोस्तों यह है कि आप लोग फटाफट जाइएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम दोस्तों वहां पर आपको दोस्तों टीम देते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी, टास होने के मात्र 10 मिनट बाद टीम देते हैं, आपको सोचने और समझने की भी दोस्तों टाइम देते हैं। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीम आती है और लगातार हमारी टीम के खिलाड़ी दोस्तों कप्तान कप्तान बनते नजर आते हैं। आप लोग जैसे ज्वाइन कर लेंगे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा आखिर दोस्तों ऐसा होता है या नहीं होता, हवा हवाई बातें नहीं होती दोस्तों, बहुत सारे लोग हवा हवाई बातें करते हैं। दोस्तों मैं प्रूफ के साथ दावे के साथ कहता हूं, ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट में दोस्तों लर्निंग की जाती है, बिना लर्निंग के दोस्तों यहां सफलता होना बहुत ही दोस्तों दुश्वार है। तो और चलते देरी ना करते हुए हम लोग सहारा लेते हुए दोस्तों किसका, ज्योतिष आंकड़े का दोस्तों, हम ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको दोस्तों टीम प्रोवाइड करते हैं, ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम आपको बताते आखिर आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से टीम बनानी होगी, कितने विकेट कीपर लेने होंगे, किस विकेट कीपर को लेना होगा दोस्तों, कितने बैट्समैन लेने होंगे, कौन बैट्समैन आज ज्यादा पॉइंट आपको देने वाला है, किस ऑलराउंडर को लेकर के चलना है, कौन ऑलराउंडर आपको आज दोस्तों लाखों रुपए विन करा सकता है, किस बॉलर को सब कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है, वो भी ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। तो और चलते हैं देरी न करते हुए हम लोग सहारा लेते हैं दोस्तों ज्योतिष आंकड़े का। दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप प्रूफ की बात करते हैं, आज जो मैच है दोस्तों आप लोग देखिएगा, यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात गेंट्स के बीच महामुकाबला है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यूपी जहां अंक तालिका में चौथे स्थान की टीम है, वही गुजरात दोस्तों यहाँ पर पांचवे स्थान की टीम है। गुजरात ने मात्र दोस्तों एक मैच जीता है, वही यूपी ने 7 मैच खेल करके 3 मैच जीते हैं। दोस्तों दो मैच दो टीमें पहले से क्वालिफाई कर चुकी है दोस्तों, यहाँ दिल्ली वर्सेज मुंबई पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर आरसीबी और यूपी भी कौन
क्वालिफाई करता है, यह तो वक्त बताएगा दोस्तों। और इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ प्रूफ की, तो आओ चलते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ देख लेते हैं दोस्तों, हम प्रूफ देख करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कल जो मैच था दिल्ली वर्सेस बंगलोर के बीच, वहां पर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों हमारी टीम के लोग किस प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार के लोग दोस्तों हम कहां से पैसे जीत रहे हैं, किस प्रकार से पैसे जीत रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर हम किस प्रकार से कप्तान उपकप्तान बनाए, देखिएगा वाइस कैप्टन ने कैसी बनाया और यही वाइस कैप्टन बनकर आए हैं दोस्तों। और भी हम देखते हैं 671 पॉइंट लेकर किस प्रकार से खिलाड़ी हम ले रहे हैं। और वो दोस्तों हमारी ड्यूटी पर आए, यहाँ से पाली वर्मा भी डिटी पर आई है दोस्तों। यहाँ पर एक एस सी आई, एक एस डिवाइन आई और एक परी आई है, एस मोलिनेक्स आई है और दोस्तों एस पाटिल आई है। और एस पाटिल दोस्तों यहाँ पर डिटी पर कप्तान बनी, वो भी हमारी टीम पर है दोस्तों। तो आप लोग पूरी तरह से देख रहे हैं, यहाँ हवा हवाई बात नहीं करते हम दोस्तों, करोड़ों तक की बात नहीं करते, पर लाखों रुपए जीत रहे दोस्तों, लाखों रुपए जीत रहे हैं। विनिंग दो से तो दोस्तों हम 100% दावा करते हैं, क्योंकि अगर हमारी टीम से दोस्तों आप खेलते तो आप विनिंग जोन से बाहर नहीं हो सकते। दावा है ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट का दोस्तों, विनिंग जोन से बाहर होने पर तो हम दावा लेते हैं और गारंटी लेते हैं कि आप विनिंग जोन से बाहर नहीं हो सकते। तो दोस्तों और चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों, लेते हैं ज्योतिष विद्या का पूरी तरह से सहारा दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों आज आपको कितने विकेट कीपर लेकर के चलना है। तो दोस्तों अगर आप 3 से 5 विकेट कीपर लेकर चलना है तो बिल्कुल फ्लॉप हो रहे दोस्तों, फ्लॉप हो रहे, आपकी बत्ती बुझने वाली है दोस्तों। यहाँ आप जो 2 या 3 का आंकड़ा बनाकर चल रहे बिल्कुल फ्लॉप हो रहे दोस्तों, अशुभ हो गए। आपको करना क्या होगा, विकेट कीपर के रूप में जो आपका आंका है दोस्तों, एक एक काका आपके लिए बेहद ही शुभ है दोस्तों। एक काका बनाकर चलते तो दोस्तों आपके स्टार चमकने वाले हैं, सूर्य आपका साक्षीकरण है दोस्तों। तो आप लोगों क्या करिएगा दोस्तों, एक एक काका बनाकर चलिएगा। मतलब क्या होता है, एक ही दोस्तों विकेट कीपर लेकर के आप जा सकते हैं, अधिकतम दोस्तों एक दोस्तों टीम से एक विकेट कीपर ले सकते हैं। ये दोस्तों विकेट कीपर का आंका है। अब हम चलते दोस्तों बैट्समैन की बात करते हैं, तो यहाँ बैट्समैन में जो आपका 3 या 4 का आंकड़ा है बिल्कुल राहु आपको दोस्तों अशुभ योग देने वाले, आप बिल्कुल इस आंकड़े पर सेफ नहीं है। यहाँ पर 3 और 2 का आंकड़ा ये भी दोस्तों अशुभ है, आप पृथ्वी की भांति घूम जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 3 या 5 का आंकड़ा, यहाँ पर 3 या 5 का आंकड़ा भी बिल्कुल आपके लिए अशुभ है। यहाँ केतु दोस्तों आपको परेशान करने वाले हैं और विपक्षी टीम से आपको हार दिलाने वाले। तो दोस्तों यहां पर यह आंकड़ा भी अशुभ है। तो दोस्तों कौन सा आंकड़ा शुभ है हमारे लिए, जो हमारा आंकड़ा शुभ है वो दोस्तों 5 का आंकड़ा हमारे लिए बेहद ही शुभ है दोस्तों, बेहद ही शुभ है। 5 का आंकड़ा बनाकर चलते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखेंगे, 5 का आंकड़ा बनाकर चलते हैं तो आप ग्रीन जोन पर जा रहे हैं, आप स्टार चमक रहे हैं, चंद्रमा का साक्षीकरण है दोस्तों और मंगल ग्रह भी आपको प्रभावित है। तो दोस्तों आप 5 का आंकड़ा बनाएंगे, पर एक बात ध्यान रखिए, 5 का आंकड़ा बनाते समय अगर दोस्तों आप विकेट कीपर 1 लेकर के चल रहे हैं, विकेट कीपर 1 लेकर के चल रहे हैं तो बैट्समैन दोस्तों 4 ले दिए, अगर विकेट कीपर 2 लेकर के चल रहे हैं तो बैट्समैन 3 ले लीजिए। अर्थात जो आंकड़ा होना चाहिए दोस्तों बैट्समैन का वो 5 ही होना चाहिए, ये दोस्तों हमने आपको बताया। अब दोस्तों यहां पर बैट्समैन की बात हो चुकी है, अब चलते हैं दोस्तों यहां ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं। यहां पर ऑलराउंडर कितने लेकर के चल रहे हैं उसकी भी चर्चा हम बहुत ही बारीकी से करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ऑलराउंडर के रूप में आपको क्या करना है, किस प्रकार से दोस्तों लेना है आपको ऑलराउंडर। तो और चलते हैं, देरी क्यों करते, अगर आप 3 या 5 का आंकड़ा बनाकर चलते बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों 4 का आंकड़ा बनाकर चलना है बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंकड़ा है ऑलराउंडर के लिए 2 या 3 का बेहद ही शुभ है, 2 या 3 ऑलराउंडर लेकर के आप जा सकते हैं दोस्तों, अधिकतम 3 ऑलराउंडर लेकर जाइए, ये दोस्तों हमारा सजेशन मान लीजिए या दोस्तों सलाह मान लीजिए दोस्तों। यहां पर 3 या 2 ऑलराउंडर लेकर ही जाना। अब दोस्तों बात आती है यहां पर दोस्तों बॉलर की, आखिर बॉलर कितने लेकर के जाए, तो यहां पर जो आपके लिए बॉलर का जो शुभ योग है दोस्तों वो दोस्तों 3 या 5 नहीं है, जो बॉलर का शुभ योग आप सोच रहे हैं, तो यहां पर बॉलर का जो शुभ योग है दोस्तों ये 3 या 4 का है। 3 या 4 बॉलर लेकर के आप जा सकते हैं, लाखों रुपए विन कर जाएंगे, लाखों रुपए विन कर जाएंगे दोस्तों। जो आपकी उम्मीद है दोस्तों करोड़ों रुपए कमाने की, तो दोस्तों लाखों रुपए जरूर कमा लेंगे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि इंसान दोस्तों उम्मीदों पर ही उतरता है, और आप कर्म ही नहीं करेंगे और तो फल कैसे मिलने वाला है, आप कर्म करते रहिएगा फल जरूर मिलेगा।
क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास ने जरमत योद जान और रस्सी आवत जाते शिल पर परे निशान। तो दोस्तों हमने 34 आंकड़े के द्वारा आपको जो बताया बिल्कुल वो सटीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं मैच कहां होने वाला है, पिच कैसी है, रिसेंट 5 मुकाबले में दोनों टीम का क्या रिकॉर्ड है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है दोस्तों, और बॉलिंग पर किसका दोस्तों पिच मददगार है स्पिन के लिए या दोस्तों पेसर्स के लिए, सब कुछ आपको बताएंगे। आप लोग को वीडियो में को स्किप मत करना, एक बार फिर से आग्रह करेंगे अपने अपने इष्ट देव का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उद्घोष कर दीजिए जय श्री राम का। और चलते हैं दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं, यहां पर देखिएगा यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात गेंट्स के बीच महामुकाबला है। तो हम दोस्तों कहां चलते हैं, हम गाइड करते हैं और मैच के आंकड़े पर जाते हैं। तो यहां पर गुजरात गेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर रिसेंट 5 मुकाबले में मात्र एक मुकाबला जीता है दोस्तों, एक मुकाबला उसने जीता ही है पूरी सीरीज में वही मुकाबला है दोस्तों। और यूपी वॉरियर्स ने 3 मुकाबले जो जीते हैं वो दोस्तों आपके सामने, तो यूपी वॉरियर्स ने रिसेंट 5 मुकाबले में 3 मुकाबले जीते हैं, वही गुजरात गेंट्स ने एक मुकाबला जीता है। इस लिहाज से देखते हैं तो दोस्तों यहां पर यूपी वॉरियर्स का पल्ला भारी दिखाई देता नजर आता है। अब हम ग्राउंड के आंकड़े की बात कर लेते हैं कि ग्राउंड के आंकड़े में क्या है, तो पिच दोस्तों यहां बैटिंग है, मैच कहां होने वाला है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली पर यह मैच होने वाला है। आप लोगों ने इस ग्राउंड का आंखों देखा हाल आप लोगों ने देखा और रोज ही देखते हैं कि इस ग्राउंड पर 170 75 और 200 के तकरीबन रन बन रहे हैं और वो भी चेस भी हो रहे हैं। आप लोगों ने कल भी देखा दोस्तों यास्का भाटिया ने किस प्रकार से दोस्तों बहुत ही लाजवाब करी। अंततः दोस्तों यहां पर दोस्तों आरसीबी हार जरूर गए परंतु ये आरसीबी दोस्तों लोगों के दिलों में राज कर गई, दोस्तों लोगों के दिलों में राज कर गई। बेहतरीन स्पिनर को मदद करने वाली है, मौसम में बादल घिरे रहने की पूरी संभावना है दोस्तों। औसत रन देखिएगा 167 हो चुका है, कुल विकेट 55 गिरे हैं जहां पेसर्स को 18, स्पिनर को 37 विकेट मिले हैं। अर्थात इस लिहाज से देखते हैं तो ये पिच स्पिन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुल मैच की बात करते हैं तो यार टोटल मैच जो खेले गए रिकॉर्ड में दोनों टीम के बीच 3, वहां गुजरात ने एक भी मैच नहीं जीता और यूपी ने 3 मैच जीते। तो आप लोग देख सकते हैं किसका पल्ला भारी है, तो यूपी का पल्ला भारी दिखाई देता नजर आता है। अब यहां बात आती है दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं और बात आती है दोस्तों यहां टोटल पॉइंट में दोनों ही टीम के हम टॉप 3 खिलाड़ी के विषय में जानकारी करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तो टोटल पॉइंट में देखिएगा गुजरात के दोस्तों विकेट कीपर लाजवाब बल्लेबाज बेथ मुनी है दोस्तों, बेथ मुनी जो अपनी टीम का नेतृत्व भी करते हैं और ये दोस्तों टॉप पर है 480 पॉइंट के साथ दोस्तों, ये टॉप पर है। यहां पर रिसेंट 5 मुकाबले की बात की जाती है, रिसेंट 5 मुकाबले का जो आंकड़ा आपको बताया जाता है यहां पर दोस्तों यही दोस्तों दास शर्मा है दोस्तों, दीप्ति शर्मा है, आप लोग देख सकते हैं 712 पॉइंट है दोस्तों, ऑलराउंडर खिलाड़ी है और दोस्तों पिछले मैच में इन्होंने तहलका मचा दिया है और डीटी पर कप्तान बन गई 712 पॉइंट के साथ दोस्तों। नंबर 1 पर विराजमान है यूपी वॉरियर्स की ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति वर्मा दोस्तों। यही पर दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी गुजरात की एक गार्नर की मैच में बात करते हैं 337 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर विराजमान है, वही दोस्तों हरीश दोस्तों यहां पर 254 स्थान के पास दूसरे नंबर पर विराजमान है। यही एलवोल व्हाइट है दोस्तों, ये भी दोस्तों डीटी पर उपकप्तान बन चुकी है और दोस्तों ये दोस्तों 284 पॉइंट के साथ दोस्तों तीसरे नंबर पर विराजमान है। वही दोस्तों यहां पर यूपी वॉरियर से इस ठाकुर दोस्तों बॉलर है दोस्तों 228 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान है। तो दोस्तों हमने टॉप 3 खिलाड़ियों के विषय में बिल्कुल जानकारी दी है, अब हम चलते हैं ड्रीम टीम पर कौन खिलाड़ी सबसे आगे है तो उनके विषय में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पर गुजरात का पल्ला भारी दिखाई देता है दोस्तों, टॉप 3 में ऐसे खिलाड़ी है जो 100% डीटी पर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं एक गार्डनर है दोस्तों 100% डीटी पर आई है, बेथ मुनी 100% डीटी पर आई है और एक बाला है टी टावर वो भी दोस्तों 100% डीटी पर आई है। वही यहां पर दोस्तों यूपी वॉरियर्स में एक ही खिलाड़ी है और लगातार इनका स्केल घटता जा रहा है, देखिए दीप्ति शर्मा है वो दोस्तों 100% आई है
एस ठाकुर है वो 80% आई है, और तब मैं ग्रेट है दोस्तों अलंदर वो दोस्तों 60% डीटी पर आई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर किसके सबसे ज्यादा रन है टॉप थ्री थे खिलाड़ी को विषय में, उनमें भी हम जानकारी देते हैं कि आखिर किस खिलाड़ी के रन सबसे अधिक है और दोस्तों किस खिलाड़ी के रन कितने हैं, तो वो भी हम आपको चर्चा करते हैं। तो यहां पर पेत मुनि ने 314 रन बनाए हैं, वही दोस्तों दीप्ति शर्मा ने 257 रन बनाए हैं, वही एल्बर वाइट को देख सकते हैं दूसरे नंबर के खिलाड़ी है वो दोस्तों 178 रन बनाए हैं, वही दोस्तों हीली है दोस्तों एल्सा हीली है विकेट कीपर लाजवाब बल्लेबाज है इन्होंने भी दोस्तों 119 रन बनाए हैं, और द हेमलता है दोस्तों डी हेमलता दोस्तों आप लोग देख सकते 150 रन बनाए हैं, और बैट्समैन है दोस्तों यहां पर और पिछले मैच में ही दोस्तों द हेमलता बहुत ही लाजवाब तरीके से खेली है द हेमलता और डीटी पर आकर के कप्तान उप कप्तान की भूमिका को भी निभाया है दोस्तों। तब मैग्रेथ है उन्होंने आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छे रन गेन किए हैं। इस प्रकार से दोस्तों रन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, अब बात आती है यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए वो भी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर विकेट के रूप में आप देख सकते हैं तो विकेट के रूप में ए गार्डनर है दोस्तों 8 विकेट लिए है, वही दास शर्मा ने 11 विकेट लिए है, वही तावर ने 5 लिए, एस ठाकुर ने 6 लिए, एम सिंह ने 4 लिए, हैरिस ने दोस्तों 4 विकेट लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बैटिंग आर्डर देख लेते हैं, तो गुजरात की बैटिंग आर्डर को देखते हैं एल वाइट दोस्तों फर्स्ट राउंड पे आती है ओपनर बल्लेबाज है, वही बेथ मुनि भी ओपनर बल्लेबाज है, सेकंड डाउन आते हैं बी मुनि और द हेमलता थर्ड डाउन आते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूपी की तरफ से ए हीली है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर केपी नव गिरे है और दास शर्मा है थर्ड डाउन आते हैं, लाजवाब खिलाड़ी है। और अब चलते हैं दोस्तों एक एक खिलाड़ी की पोल पट्टी खोलते हैं, एक एक खिलाड़ी के विषय में जानते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं ड्रीम टीम। ए हीली को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ए हीली दोस्तों यहाँ पर 7 मैच खेली है, 71.43% डीटी पर आई है, 278 पॉइंट है, 39.71 है, अर्थात दोस्तों 7 मैच में 5 मैच पर डीटी पर आई है आप लोग देख सकते हैं एलिसा हीली के विषय में। उसके बाद बी एथ मुनि की बात करते तो आप उनको भी दिखा देते, 6 मैच खेले हैं और दोस्तों 66.67 अर्थात ये भी दोस्तों 4 मैच पर डीटी आई है, औसत पॉइंट इनका भी ठीक ही ठाक है, तो दोनों ही विकेट कीपर लाजवाब है, किसी भी विकेट कीपर को लेकर के जाया जा सकता है। बैट्समैन सेक्शन में जाते एल बोल वाइट है दोस्तों लाजवाब खिलाड़ी है, ये डीटी पर कितने परसेंट आई है 50% आई है, खेले हुए मैच 204 है, औसत पॉइंट दोस्तों 47.75 है, अर्थात 4 मैच 2 बार डीटी पर आई है दोस्तों एल्सा बोल वाइट, एक बार तो दोस्तों ये कप्तान भी बन चुकी है। यहाँ पे लिस्ट फील्ड की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ये 33% डीटी पर आई है और दोस्तों इनका औसत पर 21.33 है, आप लोग जान रहे होंगे 6 मैच खेले हैं और मात्र 2 मैच पर डीटी पर आए, ये रिस्क प्लेयर हो सकते हैं। इसी तरह के एक प्लेयर को हम ट्रेंड प्लेयर के नाम से जानते हैं केपी नवगिरे है दोस्तों, आप लोग इनको भी देख सकते हैं मात्र दोस्तों 14% डीटी पर आए, मात्र एक बार डीटी पर आए दोस्तों, एक बार केपी नवगिरे डीटी पर आए, आप लोग देख सकते हैं इनका पॉइंट भी दोस्तों बहुत ही कम है औसत पॉइंट। यहाँ पर और भी आके पढ़ते हैं डी हेमलता, पिछले मैच में इन्होंने तहलका मचाया है और ये 2 बार डीटी पर आई, आप लोग देख रहे हैं 105 पॉइंट लिए और बैटिंग सेक्शन पे 101 रन बनाए, 101 पॉइंट अर्जित किए थे, तो और डीटी पर ये दोस्तों वाइस कैप्टन बनी थी यहाँ पर डी हेमलता। यहाँ पर और भी हम आगे बढ़ते डी हेमलता की बात हो तो पीनाना साहब खेम है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये भी दोस्तों मात्र एक बार डीटी पर आई है और दोस्तों आप लोग इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, परंतु तो डी हेमलता जैसे ये भी चमक सकती है। एस सहरावत है इनके विषय में बात करते हैं, ये दोस्तों 2 बार डीटी पर आ चुके हैं, 2 बार डीटी पर आ चुके, खेले हुए मैच दोस्तों 7 है, औसत पॉइंट 12.86 है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इस चौराचा बी फूल माली है दोस्तों, बी फूल माली दोस्तों एक ही बार दोस्तों एक मैच खेला है और ये डीटी पर आई है, पॉइंट कितने 32 और 32 पॉइंट में ये डीटी पर आ चुकी है दोस्तों भारती फूल माली दोस्तों। यहां पर दोस्तों और भी आगे बढ़ते ऑलराउंडर से तक पर जाते तो जी हैरिस की बात कर लेते, तो जी हैरिस दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे 71.43% डीटी पर आई है, अतः 7 मैच में 5 बार डीटी पर आ चुकी है दोस्तों ग्रेस हैरिस दोस्तों,
और दो तीन का औसत पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और पांच बार डिटी पर आ चुकी टीम है। ग्रेट की बात करते तो ये देखिएगा चार मैच में दोस्तों एक बार डिटी पर आई है, आप लोग देख सकते हैं इनको भी दोस्तों एक देख सकते हैं। और उसके बाद एक गार्नर की बात करते तो यहाँ पर 100% डिटी पर आई, सबसे लाजवाब खिलाड़ी है, छह मैच खेले हैं और दो तीन का औसत पॉइंट 56.67 है, लगातार दोस्तों डिटी पर आई है, छह का छह मैच में डिटी पर आई है। वह दोस्तों यहाँ पर डी शर्मा की बात करते हैं, दीप्ति शर्मा दोस्तों ये भी दोस्तों 71.43% डीटी पर आई है, सात मैच में पांच बार डीटी पर आई है, लाजवाब ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों, लाजवाब। एस राणा की बात कर लेते हैं, एस राणा की बात करते हैं, चार मैच खेले हैं और एक भी बार डीटी पर नहीं आई, अभी तक जितने भी खिलाड़ी हुए उसमें इसमें राणा ही है जो एक बार डीटी पर नहीं आई। वह के ब्रायस की बात कर लेते हैं, के ब्रायस दोस्तों 50% डीटी पर आई है, छह मैच में तीन मैच में डीटी आया है, औसत पॉइंट इनका भी बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। के ब्रायस के बाद हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से भी पूरे खिलाड़ी हो जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों बैटिंग में, बॉलिंग सेक्शन पर ऐसे क्लेस्टोन की बात कर लेते हैं तो ये देखिएगा 71.43% डीटी पर आई है, ये देखिएगा सात मैच में पांच बार डीटी पर आ चुकी है, लाजवाब खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी बॉलर है, लगातार डीटी पर बने रहती है। आर गायकवाड की बात करते हैं, राजेश्वरी गायकवाड 42.86% अर्थात तीन बार ये डीटी पर आ चुके, सात बार मैच खेलने पर तीन बार दोस्तों डीटी पर आई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यही पर दोस्तों यहाँ टी कावर, कावर की बात करते हैं तो तनुजा कावर है दोस्तों 100% डीटी पर आई है, ये बॉलर है दोस्तों 100%, औसत पॉइंट भी दोस्तों बहुत अच्छा है, छह मैच खेला है और लगातार डीटी पर आई है दोस्तों। एम सिंह की बात करते तो एम सिंह भी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 33.33% डीटी पर आई है, अर्थात छह मैच में दो मैचों पर डीटी पर आई है, औसत पॉइंट 37.17 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस ठोकोर की बात करते हैं, ठोकोर दोस्तों 40% डीटी पर आई है, पांच मैचों में दो मैचों में डीटी पर आ चुकी है। और जी सुल्ताना की बात कर लेते, जी सुल्ताना भी दोस्तों एक भी बार डीटी पर नहीं आई, दो मैच खेला है। इस प्रकार से दोस्तों हम सभी खिलाड़ियों के विषय बता चुके हैं। अब हम लोग बनाते हैं ड्रीम टीम, दो प्रकार से देंगे, एक होगी सेफ टीम, एक होगी रिस्की टीम। तो एक बार दोस्तों हम बीमो बेतमुनी को लेकर के चलते हैं और दोस्तों ये इसके बाद दोस्तों एस बॉल वाइट को ले लेते हैं और उसके बाद एस बॉल वाइट के बाद दोस्तों हम किसको लेते हैं, एक बार दोस्तों बी फूल माली को लेकर के आगे बढ़ते क्योंकि हमें लेना है दोस्तों रिस्क, और रिस्क लेने वाला दोस्तों बंदा कभी घबराता नहीं, गार्नर ले लेते या जी हैरिस ले लेते, बी शर्मा ले लेते, उसके बाद दोस्तों के ब्रायस को लेते, के ब्रायस के बाद और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों के ब्रायस के बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एस क्लेस्टोन को ले लेते हैं, टी कावर को ले लेते हैं, तनुजा कावर, एम सिंह को ले लेते हैं और एम सिंह के बाद दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आर गायकवाड को भी ले लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम दोस्तों ले लेते हैं, पूरी तरह से हमारी टीम बन जाती। अब बात आती कप्तान कप्तान बनाने की, तो आओ चलते हैं, हम लोग बनाते हैं दोस्तों कप्तान कप्तान। यूपी की जी हैरिस को दोस्तों हम कप्तान बनाते हैं और दोस्तों वहीं पर यूपी की जी हैरिस को कप्तान बनाते हैं और दोस्तों यहां पर हम टी कावर को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाते हैं। आप चाहे तो एक गार्नर को बना सकते हैं दोस्तों, हम भी बना देते गार्नर को और टीम को सेव कर देते। इस प्रकार से हमारी एक सेफ टीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम लोग बेतमुनी को लेकर के बनाते एक रिस्की टीम दोस्तों। यहाँ पर पी लिच फील्ड को लेते, एल बॉल वाइट को ले लेते और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस सहरावत को लेकर के आगे बढ़ते, यहाँ पर दोस्तों हम टीम मैग्रेट को लेते हैं, टीम मैग्रेट के बाद दोस्तों डी शर्मा को ले लेते हैं और यहाँ पर एस राणा को लेते हैं दोस्तों। एक भी बार डीटी पर तो नहीं आई, पर हमें दोस्तों इन पर दांव आजमाना होगा और एक गार्नर है जी हैरिस को ले लेते, आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, इस ठाकुर को ले लेते और दोस्तों यहाँ पर जी सुल्ताना को लेते और इसके बाद दोस्तों हम ले लेते एस एक्लेस्टोन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पर कप्तान कप्तान बनाने की, तो हम लोग लेते हैं बेहद रिस्क, रिस्क में के लिए हमें क्या करेंगे, हम एस एक्लेस्टोन को दोस्तों कप्तान बनाएंगे और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों हम गुजरात के पी लिच फील्ड को ले सकते हैं, वही बेतमुनी एस एल वाइट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों पी लिच फील्ड को वाइस कैप्टन बनाकर टीम को सेव कर देते। इस प्रकार से दो टीम हमारी बनकर तैयार हो जाती, आप लोग देख सकते दोनों का अनुपात ही दोस्तों
4.7 का है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।